आज हम बनाने वाले हैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली कैफे स्टाइल कोल्ड कॉफ़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बिना मशीन के, बिना किसी झंझट के हम इसे बनाने वाले हैं एकदम कैफे स्टाइल और बहुत ही ज़्यादा झाग वाली। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 ग्लास लिए हैं, क्योंकि 3 फ्लेवर की हम कॉफ़ी बनाने वाले हैं। और ये मैंने चॉकलेट सिरप लिया है, तो 3 गिलास को हम चॉकलेट सिरप से अच्छे से डेकोरेट कर देंगे, ताकि जब हम इसमें कोल्ड कॉफ़ी डालें तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे, और जब हम कॉफ़ी पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेगी। तो 3 गिलास को मैं यहाँ डेकोरेट कर रही हूँ, और डेकोरेट करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे मैंने डेकोरेट कर दिया है, अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अब हम यहाँ 1 गिलास लेंगे और उसमें हम इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर डालेंगे, तो 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ, और साथ ही साथ 2 चम्मच हम चीनी डाल देंगे। चीनी अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। अब मैंने यहाँ गुनगुना पानी लिया है, गर्म पानी या ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। अब इसका हम घोल तैयार कर लेंगे और 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख देंगे। तो घोल तैयार हो गया है, साइड में रख देते हैं। अब मैंने यहाँ एक ग्राइंडर जार लिया है, उसमें 1 गिलास हम दूध डाल देंगे। ये मैंने बिल्कुल ठंडा दूध लिया है, और गिलास से मैंने मापा है, कप नहीं लिया है, 1 गिलास है ये। और जो कॉफ़ी मिक्सचर हमने बना कर रखा था, उसको एक बार ज़रूर मिक्स करेंगे डालने से पहले, क्योंकि नीचे चीनी वगैरह बैठ जाती है। तो ये डाल लेते हैं हम, और साथ ही साथ एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो हर कैफ़े में यूज़ होता है, क्योंकि इससे बहुत ही बढ़िया झाग वाली और एकदम थिक कॉफ़ी बनकर तैयार होती है। तो ये है मिल्क पाउडर, 1 चम्मच हम मिल्क पाउडर डाल लेंगे। और साथ ही साथ 5 से 6 मैंने यहाँ बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं। बर्फ़ के टुकड़े इसी में हम डालेंगे, जब भी हम इसको ब्लेंड करेंगे उससे तुरंत पहले हम डालेंगे, बाद में इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ के टुकड़े यूज़ नहीं करने हैं। तो 5 से 6 इस टुकड़े हमने डाल लिए हैं, और इसे अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, क्योंकि ग्राइंडर जार में हम इसे बनाने वाले हैं, तो 2 से 3 मिनट इसे ज़रूर ब्लेंड कीजिए आप। अगर मशीन से बनाएंगे तो वो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगी, और आप देख पा रहे होंगे एकदम झाग वाली कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार है। थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर से करेंगे इसे डेकोरेट। तो लीजिए, कॉफ़ी बिल्कुल तैयार है। अब हम दूसरे फ्लेवर की बनाएंगे, तो उसके लिए 1 गिलास लिया है मैंने, और 2 चम्मच मैं इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल लूँगी, और साथ ही साथ 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल लेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। साथ ही साथ हम गुनगुना पानी लेंगे, तो ये डाल लेंगे, और इसका घोल तैयार करके हम 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख देंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, उसमें हम 1 गिलास दूध डाल लेंगे, एकदम ठंडा दूध होना चाहिए यहाँ। अब 5 से 6 मैंने यहाँ ओरियो बिस्किट लिए हैं, जिसको अच्छे से क्रश कर लिया है, तो वो डाल लेते हैं। साथ ही साथ जो कॉफ़ी मिक्सचर हमने बना कर रखा है वो डाल लेते हैं। कॉफ़ी मिक्सचर डालने से पहले एक बार ज़रूरी से मिलाइए, और 1 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेंगे, जिससे एकदम थिक और क्रीमी हमारी कॉफ़ी बनेगी। और 5 से 6 आइस क्यूब डाल लेते हैं, तो कर लेते हैं इसे ब्लेंड। तो ले लीजिए, ओरियो कॉफ़ी भी बिल्कुल तैयार है, एकदम ठंडी ठंडी और झाग वाली और एकदम थिक क्रीमी कॉफ़ी बनकर तैयार है। आप इसे ओरियो बिस्किट से डेकोरेट कीजिए और ठंडी ठंडी कॉफ़ी का मज़ा लीजिए। तो 2 तरह की हमने कॉफ़ी बना ली है, तो एक और बना लेते हैं। तो उसके लिए लेंगे हम 1 गिलास, और उसमें 2 चम्मच हम कॉफ़ी पाउडर डाल लेंगे। साथ ही साथ मैं 1 चम्मच इसमें डालने वाली हूँ कोको पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट कॉफ़ी बनाने वाले हैं। और 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल लेंगे। चीनी आप इसमें 1 चम्मच ज़्यादा ही डालिए, जिससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी कॉफ़ी। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है, तो इसका घोल लेते हैं अच्छे से, और घोलने के बाद 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक आगे का प्रोसेस करेंगे।
तो एक ग्राइंडर जार लिया है, उसमें एक गिलास मैंने ठंडा दूध डाल लिया है और साथ ही साथ जो कॉफ़ी मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल लेते हैं। आप चीनी इस टाइम डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो। थोड़ा सा मैं इसमें चॉकलेट सिरप डालने वाली हूँ क्योंकि मैं चीनी और नहीं डाल रही हूँ, तो 2 चम्मच के करीब चॉकलेट सिरप डाल लिया है। 1 चम्मच हम इसमें मिल्क पाउडर डाल लेंगे और 6 से 7 मैंने यहाँ आइस क्यूब लिए हैं वो डाल लेते हैं और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे करीब करीब 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये लीजिए, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है, डाल लेते हैं। वाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम झाग वाली कैफे स्टाइल चॉकलेट कॉफ़ी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और गर्मियों में बहुत ही बढ़िया लगेगी अगर आप कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, एकदम ठंडक देगी आपको। थोड़े से चॉकलेट शेविंग हम डाल देते हैं और थोड़ा सा चॉकलेट सिरप, जिससे और भी ज़्यादा ये टेस्टी बनेगी। तो ये लीजिए, 3 तरह की कॉफ़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और गर्मियों में एकदम ठंडक देंगी अगर आप ऐसे कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे। और एकदम कैफे स्टाइल हमने बनाई है झाग वाली, बिना किसी मशीन के, बिना किसी झंझट के मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए, आप भी बनाइए और इसका एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।